दोस्तों नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको लाइफ प्रूफ के साथ कैसे निकालें। क्योंकि दोस्तों पहले मैंने बताया था, आपको पूरी वीडियो मैंने फेस के साथ समझाया था आपको, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी आप लोगों की कि सर हमको लाइफ प्रूफ के साथ दिखाओ कि किस तरह से आप ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकालते हो और किसका जो डॉक्यूमेंट लगाते हो किस तरह से निकलेगा। तो यही आज कंप्लीट वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी इस वीडियो की पूरी जानकारी वो आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों चाहे वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, चाहे दोस्तों विधवा पेंशन हो, आप तीनों पेंशनों का जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों काफ़ी क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है दोस्तों लिस्ट में भी नहीं होता है, तो ये मैं प्रक्रिया आपको बताऊँगा, एक ट्रिक आपको बताऊँगा, बिल्कुल 100% वर्किंग करेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं वीडियो को एक बार पूरा वॉच करके, ठीक है दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जो UPSSP वाली यानी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आने के बाद आपको जाना होगा सीधा इस वाले ऑप्शन पर, जो कि मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ऑनलाइन आवेदन पर। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको अगर पता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को पुश कर दो और वीडियो को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं आज इसमें जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को मैं पूरा फिल कर लेता हूं एक बार, ये मानता हूं दोस्तों ये नया फॉर्म है, पर ये ट्रिक है दोस्तों आपको न्यू रजिस्ट्रेशन देने की। तो दोस्तों एक बार मैं इसको सारा डाटा फिल करता हूं, कौन सी जगह पर क्या करना है मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम सारा फॉर्म है फिल कर लेंगे। तो सारे स्टेपों को मैं एक बार बता देता हूं। तो जहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम और जहां ग्रामीण से हो या आप शहरी से हो वो यहां पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों आप जिस भी ब्लॉक या तहसील से पढ़ते हो, ठीक है, यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर अपनी ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत के बाद दोस्तों आप यहां पर जो अपना जो गाँव है आपका कौन सा पड़ता है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आवेदक का नाम, ठीक है दोस्तों। आवेदक के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उसका फेल और मेबेल इसको सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद उसकी DOB और उसके पति का नाम, ठीक है दोस्तों। पति के नाम के बाद दोस्तों आप यहाँ पर OBC, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, और दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर पता के बाद उसको यहाँ पर बैंक डिटेल भी उसकी ही देनी होगी, ठीक है दोस्तों। और नीचे को और जाते हैं ऊपर को, जहाँ पर तहसीलदार। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो आप इनकम सर्टिफिकेट किसी का भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ऑनलाइन नहीं करना है, हमको ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर ही है वो निकालना है, तो ठीक है दोस्तों। मैंने फ़ोटो भी यहाँ पर किसी दूसरे कैंडिडेट का लगा दिया है, और यहाँ पर PDF है दोस्तों, आधार कार्ड की है पर है किसी और की, ठीक है दोस्तों। और इसका साइज दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों को साइज में ध्यान रखते हुए साइज बनाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर साइज लिखा हुआ है दोस्तों फोटो का जो 20 KB से कम होना चाहिए GPG में, ठीक है दोस्तों। और जो PDF है हमारी आधार कार्ड की वो आपको 200 KB में से कम होने चाहिए PDF की, ठीक है दोस्तों। तो इन सारे चीज़ों को मैंने फिल करने के बाद सबमिट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, और वैसे ही सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगी वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्रोसेस लेने के बाद आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा नीचे की ओर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कुछ इस तरह से निकल कर आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों लाइव बना रहा हूँ वीडियो को, कोई फेक नहीं है, फिर भी आप गलत कमेंट करते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो जैसे चाहो, आपका बस काम निकल जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर जिस कैंडिडेट का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और एक बार वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि वो भी अपना जो मोबाइल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो निकाल सकें आसान तरीके से। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।